हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर रियलिज्म पीरियड ऑफ आर्ट के बारे में, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1920 से 1960 ईस्वी के बीच का। जो सर रियलिज्म पीरियड ऑफ आर्ट है, इसकी शुरुआत आर्ट से नहीं हुई थी, मीन्स सर रियलिज्म पीरियड की शुरुआत जो है वो लिटरेचर से हुई थी, जिसकी शुरुआत एक फ्रेंच राइटर एंड पोएट एंड्रे ब्रेटोन ने की थी, जो कि इंस्पायर हुए थे एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जिनका नाम था सिगमंड फ्रेड। तो उनकी जो साइकोलॉजी थी, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने ड्रीम से बहुत प्रभावित होते हैं, मीन्स हमारे जो ड्रीम होते हैं उसमें हमारे डिज़ायर्स शो होते हैं, उसमें डिज़ायर्स होते हैं और जो हम चाहते हैं लाइफ में करना या जो भी जिनसे हम जुड़ाव पाते हैं, अनकॉन्शियसली हम अपने ड्रीम में उनसे जुड़े होते हैं। और ये वर्ल्ड वार की ही बात है, जब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए एक साइकोलॉजिस्ट थे फ्रेड, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है इसकी शुरुआत की कि लोगों को उनके सपनों में रखो, उनसे उनकी बातें करो जिससे उनको खुशी मिलती है, ताकि वो अच्छा महसूस कर सकें। उस समय एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था सेल्वेडार डाली, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे साइकोलॉजिस्ट फ्रेड के थॉट से, तो इनकी जो थ्योरी थी वो उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाली थी, जिसकी वजह से सररियलिज्म जो है वो आर्ट में आ गया और आर्टिस्टों ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। तो जो सेल्वेडार डाली जो थे, ये बहुत ही कम एज से सररियलिज्म आर्ट बनाने लगे थे। और इन्होंने क्या किया था, क्योंकि सररियलिज्म जो है इसको पाने के लिए आप को अनकॉन्सियस होना पड़ेगा। कॉन्सियस स्टेट जो हमारी जागरूकता होती है, जैसे इंसान जब जागता है तो अलग सीन होता है, पर जब वो सो जाता है तो उसका अनकॉन्सियस माइंड स्टार्ट हो जाता है। तो अनकॉन्सियस माइंड में जो हमारा वर्ल्ड होता है वो रियल लाइफ से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो उस समय हुआ ऐसा था कि कई आर्टिस्ट ड्रग्स का सहारा लेने लगे थे, पर जो सेल्वेडार डाली थे, इन्होंने ड्रग्स का सहारा नहीं लिया था। खुद को हेलुसिनेट करने के लिए इन्होंने शॉर्ट टर्म की नींद ली थी, वो दिन के समय माइक्रोनेप्स लेते थे और एक चेयर पे बैठ जाते थे और अपने राइट हैंड में एक हैवी ही की पकड़े रहते थे और उसी के ठीक नीचे एक प्लेट रख देते थे, मीन जैसे मेटल की प्लेट होती है, अगर उस पर कोई भारी चीज़ पड़ेगी तो एक आवाज़ होगी। तो वो जब गहरी नींद में पहुंच जाते थे तो ऐसा होता नहीं हम लोगों के हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, तो उनके हाथ से चाबी छूट जाती थी और वो उस प्लेट पे जब पड़ती थी तो एक आवाज़ उठती थी, उस आवाज़ से वो अचानक से जग जाते थे। मीन्स जो वो जगते थे तो वो कच्ची नींद होती थी, मीन्स ना तो वो पूरी तरह से सोए हैं ना तो वो पूरी तरह से जागे हैं, वो एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाते थे जिसे साइंटिस्ट हाइपनागोगिया कहते हैं। वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ना तो आप पूरी तरह से सोए हो और ना ही आप पूरी तरह से जागे हो, मीन्स सपना तो चल रहा है पर आप जागृत हो, मीन्स आपको पता है कि क्या देख रहे हैं। तो वो उसी स्टेट में पहुंचकर पेंटिंग करते थे, जो भी वो सपना देखते थे वो उसी सपने को कैनवास पर उतारते थे। जो एक डिफरेंट वर्ल्ड, मीन्स जब हम लोग सोते हैं तो एक अलग ही दुनिया होती है जिसमें लॉजिक नहीं होता है, जैसे आसमान में पत्ते लगे हुए हैं या ज़मीन की जगह बादल हो गए या कहीं जा रहे हैं झरने से तो झरने के बीच में अचानक से पेड़ पौधे आ गए, मीन्स सपने में तो सब कुछ अजीब सा होता पर वो एकदम रियल लगता है। तो ये जो सररियलिज्म के आर्टिस्ट थे, इन्होंने भी ऐसी पेंटिंग्स की जिसमें ऑब्जेक्ट्स तो रियलिस्टिक थे, मीन्स जितनी भी चीज़ें थी पर जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक थी, मीन्स जैसा कि हमारे सपनों में होता है। तो कुल मिला के सररियलिज्म पीरियड ऑफ आर्ट है, ये सपनों की दुनिया है आर्टिस्टों की, हर आर्टिस्ट ने अपने अपने सपने को इसमें दिखाया है। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टिस्ट थे उनके बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे उनका नाम था सेल्वेडार डाली, जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था रेने मैग्रीट, जो तीसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था पैब्लो पिकासो, जो चौथे आर्टिस्ट थे उनका नाम था फ्रिडा कालो। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टवर्क्स थे उनके बारे में। तो जो पहला आर्टवर्क था उसका नाम था द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, जो दूसरा आर्टवर्क था उसका नाम था द ग्रेट मास्टरबेटर, जो तीसरा आर्टवर्क था उसका नाम था द सन ऑफ मैन,
जो चौथा आर्ट वर्क था उसका नाम था द लवर्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।